कक्षा आठ, ठीक है। चैप्टर नंबर जो हमारा दो है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, प्रश्न 2.3 हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या बोला, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। हमें समीकरणों को हल भी करना और इनके हमारे जो उत्तर आएगा उसकी जांच भी करनी है। तो पहले क्वेश्चन पाते हैं, मतलब जो भी एक्स वाई जेड जो भी पता नहीं है उनके मान निकालने और फिर जाँच भी करनी है। इधर है 3x और इधर है 2x प्लस 18, ठीक है। सो देखिए क्या होगा, आपको पता ही ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, चर को एक तरफ लिखो, अचर को दूसरी तरफ, यही नियम होता है। ये हमारा चर है, ये चर है, ये प्लस का 2x इस तरफ लाओगे तो क्या होगा, माइनस के 2x, यहाँ 18 बचा। 3x में से 2x कटाओगे तो x बचेगा, सो एक्स का मान कितना आ गया, 18। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब हमें जांच भी करनी है। जांच का मतलब क्या है, ये जो चीज़ है हमें, जो भी आपका एक्स का मान है ना, जब उसे आप यहाँ रखोगे और सरल करोगे तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स का मान रखने पर, ठीक है, 3, एक्स का मान कितना है, 18, 3 × 18, 2 × 18, 18, 3 × 18 दिया 54, 18 × 2, क्योंकि इसके बीच में गुणे का संबंध होता है, 18 × 2 = 36 प्लस 18, 36 और 18 कितना होते हैं, 54। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर, ठीक है। अतः x बराबर 18 सही उत्तर है, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, पहले मान निकालना है और फिर जांच करनी है। जांच करने में क्या होगा कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं, 5t - 3, 3t - 5, ये है वही चीज़, इसमें भी कर लेंगे। प्लस का 3t इधर आके क्या होगा, माइनस का 3t, चिन्ह बदल गया, माइनस के 5, ये माइनस का 3 इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 2t। माइनस के 5 में से प्लस के 3 कम करोगे तो चिन्ह किसका ज़्यादा है, माइनस वाले का, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का। 2 इधर गुणे में है टी के साथ, बराबर के इस तरफ लाओगे तो क्या होगा, बदल जाएगा चिन्ह, गुणे से भाग में आ जाएगा, 2 × 1 = 2, तो टी का मान क्या आ गया, -1, ठीक। अब हमें जांच करनी है, तो जांच में यहाँ पर 5t - 3 था, तो अब t बराबर -1 रखने पर, ठीक, तो t का मान -1, जहाँ जहाँ t था वहाँ पर हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। 5 × 5 माइनस का, ये -3 है, 3 × 3 माइनस का, तो दोनों चिन्ह जब समान होते हैं तो जोड़ देते हैं, -3 - 5 - 8, -3 - 5 - 8, तो दोनों तरफ बराबर हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः टी बराबर -1 सही उत्तर है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ठीक, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, वही नियम करेंगे, x को एक तरफ, प्लस का 3x इधर आके क्या होगा, -3x, प्लस के 9 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -9, 5 में से 3 घटाओगे 2x, 5 में से 9 घटेगा, 9 में से 5 घटेगा तो आएगा 4, और चिन्ह किसका बड़ा है,
9 बढ़ाए तो माइनस आ जाएगा। 2 इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आके बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में भाग चला जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस की 2। ठीक है, एक्स का मान तो हमारा माइनस के 2 आ गया। अब हमें क्या करनी है, जांच। तो जांच में 5x + 9, 5 + 3x, तो क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, ठीक यहाँ पर x की जगह पर माइनस की 2 रखना है। पाँच दुनी 10, प्लस 5 का 5 प्लस का है प्लस गुणा माइनस, क्या होता है माइनस, और ये प्लस के 9, 5 3 दुनी 6 प्लस गुणा माइनस, क्या होता है माइनस। तो प्लस के 10, 10 में से 9, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं हमेशा, तो 10 में से 9 घटाओगे आएगा 1। किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस का बड़ा था तो माइनस लिखोगे। यहाँ पर 6 में से 5 घटाओगे क्योंकि विपरीत ये प्लस का है ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं। 5 में से 6 घटाओगे तो आएगा 1, चिन्ह किसका बड़ा है इसका, तो ये चिन्ह लगा दिया। आगे दोनों तरफ बराबर, तो वही लिखोगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो एक्स बराबर -1 सही उत्तर है। ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक तो कर दिए हैं, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन भी हमें करने हैं, 4, 5, 6, 7, 10 तक। ठीक है, तो 3 तक मैंने किए हैं और चौथा भी मैं कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चौथे का जांच मैं नहीं करूँगा, चौथे का जांच आपको खुद करना होगा। ठीक है, जांच आप करोगे, ठीक है, चौथे का, और कमेंट करोगे, बताओगे कि बाएं पक्ष में क्या आया था, दाएं पक्ष में क्या आया था। प्लस का 2z इधर रखे, माइनस का 2z होगा, 6 ये प्लस का 3 इधर रखे, क्या होगा, माइनस के 3, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2z, 6 में से 3 गया तो 3, 2 इधर गुणे में है, बराबर के स्तर में आके क्या होगा, बट्टे में, तो z का मान कितना आ गया, 3/2। ठीक है, चलो जांच भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो z का मान हमें कितना रखना है, 3/2 रखने पर, इसके और इसके बीच में किसका संबंध है, गुणे का, और z का मान कितना है, 3/2, इसके और इसके बीच में संबंध गुणे का, z का मान 3/2, 2 से 2 कटा, ऊपर नीचे 2 दुनी 4, तो 2 3 कितना हो गया, 6 + 3, और यहाँ से 3 ही बचा, 6 + 3, 6 और 3 कितना होता है, 9, इधर भी 9 है बराबर, तो लिख दोगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः x बराबर z बराबर 3/2 सही उत्तर है।